सभी को नमस्कार। यहाँ कुछ दिलचस्प होने वाला है, लेकिन पहले हम एमा और मिरांडा को यहाँ बुलाएंगे। अब हम निश्चित रूप से तैयार हैं। एमा आगे बढ़ो, जैसा तुम कहो। इसके अलावा मैंने पहले ही उपयुक्त बटन चुन लिया है। वाह, इसके पीछे वास्तव में कुछ गर्म है, तीखी मिर्च। मुझे लगता नहीं कि ये तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, चुनाव हो चुका है। यह क्या है? अरे नहीं, ये वास्तव में मिर्च है। बस हो गया, वो मुझे नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, तुम इसे खा सकती हो। मुझे लगता नहीं कि एक अच्छा विचार है, लेकिन वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। खैर, मुझे लग रहा है कि यहाँ गर्मी हो रही है। कितना भयानक, मैं जल रही हूँ। खैर, तुमने कर लिया, बहुत बढ़िया। मिरांडा, तुम कैसी हो? मैंने बटन चुन भी लिया है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है वह एक इनाम की हकदार है। चॉकलेट के बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मैं रुक नहीं सकता। मैं इसे अपने मुंह में डालना चाहता हूँ। ए, क्या तुम गलती से कुछ भूल गए हो? खैर, मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। यह चॉकलेट तुम्हारी है, इसे वापस देना होगा। यह लो। ओह, मेरा सेब। ये क्या है? वाह, चॉकलेट। कितना अच्छा सरप्राइज, मैंने सही चुनाव किया है। मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे निराश नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता यहाँ इतनी गर्मी क्यों है। ओ, थर्मामीटर भी नहीं माप रहा है, चॉकलेट भी पिघलने लगी है। क्या हो रहा है? एयर कंडीशनर चालू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिरांडा, अभी थोड़ा सा बाकी है, ये भी तुम्हारा है। यह क्या है? ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा नहीं दिखता है। मेरी आंखें, मैं कुछ नहीं देख पा रही। ये तुमने अच्छा नहीं किया। लगता है उसे पसंद नहीं आया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये सब एमा की वजह से है। वो जल रही है, हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत है। मुझे पानी कहाँ से मिल सकता है? मुझे याद आया, एक बाल्टी थी। मुझे आशा है कि आग बुझाने के लिए काफी है। पानी, आखिरकार। वाह, कितना अच्छा, मुझे बहुत आराम लग रहा है। किस्मत से सब कुछ ठीक से खत्म हुआ। यह दूसरे दौड़ का समय है। मिरांडा, चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ। वाह, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे नहीं पता कि इन ब्यूटी गैजेट्स का क्या करना है। आशा है कि तुम इसका पता लगा लोगी। वाह, कितनी सारी चीजें, बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ और है, इसे जल्दी से फेंको, मैं इसे पकड़ रही हूँ। वाह, यह कॉस्मेटिक्स के साथ एक सूटकेस है। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। कितना अच्छा आई शेडो, कितना सुंदर रंग, अद्भुत। यह हाथ में ब्रश लेकर मेकअप करने का समय है। मुझे यकीन है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूंगी। मेरी त्वचा एकदम चमकदार हो जाएगी। खैर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं एमा के पास जाऊंगा। तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है, मैंने पहले ही अपनी पसंद बना ली है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे खुशी है हम बिना देर किए जारी रख सकते हैं। अगला अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट पॉपसिकल है, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। इतनी ठंड क्यों है? वहाँ क्या है? क्या वाकई बर्फ है? वाह, यह आइसक्रीम है, मुझे यह पसंद है। कितना अच्छा है कि मुझे इतने सारे मिले हैं। मैं सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट, धन्यवाद, मैं रुक नहीं सकती। लग रहा है कि बस खाते ही रहूं। ओह एमा, तुम्हें थोड़ा और ध्यान से खाना चाहिए। जब खाने की बात हो तो शिष्टाचार की किसे परी है। ओह, मुझे बहुत ठंड लग रही है, शायद किसी के पास कंबल हो। हीटिंग चालू करो प्लीज, शायद ऐसा करने के लिए कोई बटन दबाना होगा। तुम क्या कर रही हो एमा? इस तरह तुम सब कुछ तोड़ दोगी। मिरांडा, जल्दी से मेरी मदद करो। क्या हुआ? ओह, हेयर ड्रायर। क्या मैं इसे कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ? क्यों? सारे सवाल बाद में, और मुझे एमा को गर्म करने की जरूरत है। मैं फिर से हिल सकती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी आइसक्रीम पिघल गई। अरे नहीं, यह अच्छा नहीं है। तुम्हें बदलना नामुमकिन है एमा, तुम हर समय खाने के बारे में सोचती हो। तुम मुझे मेरा हेयर ड्रायर क्यों नहीं लौटा देते? मैं देख रहा हूँ कि तुम एक नए दौर के लिए तैयार हो, चलो देर मत करो, मैं बटन दबा रही हूँ, चलो शुरू करें। जैसी तुम्हारी मर्जी मिरांडा।
मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। शुरू करने से पहले हमें प्रोटेक्टिव सूट पहनने की जरूरत है। यहाँ इसकी जरूरत होगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। यह सही है, अब तुम शुरू कर सकती हो। ये ईंटें भारी हैं, मैं उन्हें मुश्किल से उठा पा रहा हूँ। ओह, चोट लग गई। वो क्या था? माफ करना, मैंने गलती से एक ईंट गिरा दी है। अब बाकी सबको पकड़ लो। ओह, कितना दर्द हो रहा है। बस बहुत हो गया। मेरी आंखों के सामने तारे घूम रहे हैं, सब कुछ तैर रहा है। ईंटें? मुझे इतनी ईंटों की जरूरत क्यों है? यदि तुम्हारे पास सीमेंट और स्पैचुला होगा तो तुम कुछ बना सकती हो। मुझे लगता है तुम खुद ही तय करो कि वह क्या होगा। मैं तुम्हें लिमिट नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बनाया है। मैं यह भी नहीं जानती कि इसे कैसे शुरू करना है। यह अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला है। चलो शुरू करें। मुझे यकीन है कि एक भव्य संरचना होगी। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। वाह, यह बहुत रोमांचक है। मुझे नहीं पता था कि इतना मजेदार होगा। मेरे पास पहले से पूरी दीवार है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि तुम यह कर सकती हो। अच्छा, मुझे जाना होगा। क्या सच में मेरी बारी है? इतनी जल्दी? ठीक है, मैं यह बटन दबा दूंगी। बढ़िया एमा, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ दिलचस्प है। करीब आओ, जल्दी करो, अनलोड करो जल्दी। वहाँ क्या है? अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी टी शर्ट के नीचे एक टन बालू है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बाय बाय। अब केवल एमा को टूल्स देना बाकी है और मेरा काम पूरा हो गया। और मुझे इन सब का क्या करना है? अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इसे पकड़ो, ये बच्चों की चीजें हैं। समझ गई। मैं सैंड बॉक्स में खेल सकती हूँ। धन्यवाद, मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। बहुत दिनों से मैंने बालू से कुछ बनाया नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद था। ओ हाँ, देखो ये कितना अच्छा निकला। अरे वाह, एक पूरा महल। यह कमाल का लग रहा है। और यह क्या है? तुम्हें मेरा कंस्ट्रक्शन कैसा लगा? मैंने काफी कोशिश की है। मैं करीब से देखना चाहता हूँ। बस हो गया, मैंने कर लिया। ऐसा लगता है कि एक ईंट जगह से बाहर है। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? अब सब कुछ गिर जाएगा। माफ करना, मैं बस मदद करना चाहता था। धन्यवाद। अब ये अच्छा। वाह, कितने सारे ट्विक्स हैं। तुम भाग्यशाली हो, मुझे सिर्फ एक चॉकलेट बार मिला है। अरे उसका रैपर तो निकाल कर खाओ, मुझ पर मत चिल्लाओ। तुम्हें ये कैसे खाऊं? हाँ, मैं अपने चेन सॉ का इस्तेमाल करूंगी। ऐसा मत करो, बचाओ। ठीक है, शांत हो जाओ। ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे चॉकलेट के लिए है। मेरे दो ट्विक्स के टुकड़े के लिए। मैं भूल गई थी कि मेरे पास दो है। भूल गई थी? और क्या तुम यह भी भूल गई थी कि चॉकलेट को एक सॉ से काटा जाता है तो यह हर तरफ उड़ता है? डांटने के बजाय तुम मेरी तारीफ कर सकते थे। खैर, मेरे पास कितना कम चॉकलेट है और तुम दोनों के पास कितना सारा। अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं शुरू करती हूँ। पहले सारे रैपर हटाने होंगे। अरे सारे? हाँ, अब मैं खा सकती हूँ। मुझे ट्रिक सच में बहुत पसंद है। यह हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। खासकर अच्छा तब होता है जब बहुत सारे हो। मेरे पास एक आइडिया है। इसे ऐसे ही क्यों खाऊं? अगर इस चॉकलेट को दूध में डुबोकर खाया जा सकता है। उफ, सब कुछ उड़कर मेरे पास क्यों आता है? देखो, साधारण दूध कितनी जल्दी चॉकलेटी बन गया। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यह बहुत अच्छा है। एक साथ खाओ और पियो। लगता है तुम्हारा लगभग हो गया है, तो अब मैं चलता हूँ। पहले सारे कैंडी रैपर उड़ा देता हूँ। कैसा लगा? बढ़िया ना? हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं है। अब समय आ गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन का काम करने का। ये चॉकलेट स्वादिष्ट और एक बहुत मजबूत सामग्री दोनों होते हैं, और न्यूटेला की मदद से सब अच्छे से चिपक जाएगा और ये ट्विक्स के साथ अच्छे से जाएगा। वाह, यह देखो, दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट टावर।
हाँ, यह आसमान की ऊंचाई का है। मुझे सीढ़ी पर चढ़कर यह खत्म करना होगा। कितना अच्छा बना है, लगभग पूरा हो गया है। विवियन, तुम समझ रही हो ना, यही हमारा मौका है। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से खाते हैं। अजीब है, सब हिल क्यों रहा है? बचाओ! ओह, आशा है कि वह ठीक है। तुमने हिम्मत कैसे की? वह मेरा चॉकलेट था। अच्छा है कि मैंने हेलमेट पहन रखा था, इसने मेरी जान बचा ली। अरे यह क्या, फिर मुझे सबसे कम मिला है। मेरे पास सिर्फ एक आंख है। किस्मत सच में तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। हंसी आ रही है, तो यह लो, मैं तुम्हारे चेहरे पर यह लगा दूंगी। यह गमी आंख बहुत चिपचिपी होती है। अच्छा लगा? बस करो, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी। खाती हूँ। तुम खाओ, तब तक मैं एक प्रैंक करता हूँ। मुझे थोड़े केचप की जरूरत होगी, यह मजेदार होने वाला है। जूलिया देखो, मैं अपनी आँख खींच कर निकाल लूंगा। क्या? तुम्हारी आँख, यहाँ से यह हटाओ जल्दी। ओह, यह क्या है? ओह, लगता है उसके गले में फंस गया है। उसकी मदद करनी होगी, सब ठीक हो जाएगा। यह सीरियल कितना स्वादिष्ट है, मुझे और खाना है। यह आग कहाँ से आई? कितना भयानक! वो आग सच में असली लगती है। हाँ वो तो है, सिर्फ एक अंतर है, यह आग बहुत स्वादिष्ट है और इसके अंदर स्वादिष्ट सिरप भी है। अंदर सिरप है? तब चलो इधर देखो। अब मेरी बारी है इन गमी ट्रीट्स को खाने की। किसी चीज की कमी है। एक और आग? नहीं, मेरा कुछ मत छुओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कम से कम एक तो दे दो। तुम हमारे दोस्त हो, हमारे साथ शेयर करो ना। मैं कुछ शेयर नहीं करूंगा, मैंने सब खत्म कर दिया। देखो कुछ नहीं है। यह क्या हो रहा है? मेरे पास इतनी आंखें क्यों है? देखो तुम्हारी लालच की वजह से क्या हुआ। क्या ये कोई मजाक है? मुझे फिर इतना कम क्यों मिला है? हमें तो ज्यादा चिप्स मिले हैं। सिर्फ एक टुकड़ा, ये इतना छोटा है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। वह टेबल के नीचे क्यों चली गई? मुझे इसकी जरूरत थी। किसी तरह इसे खाना होगा और मुझे लगता है ट्वीजर्स मेरे काम आएंगे। तुम हंसना बंद करो और अपना खाओ। हाँ ठीक है, मैं अपनी चिप्स जल्दी से खा लूंगा। बस इसे खोलना होगा। क्या है ये, इतने कसकर क्यों लगा हुआ है? पीटर, तुम बिल्कुल ताकतवर नहीं हो। चुप रहो, चिप्स का डब्बा खोलने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बस इसे काटना होगा। देखो, और मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। चिप्स खुद ही उड़कर मेरे मुंह में आ जाएंगे। कितने स्वादिष्ट है। अरे अरे, यह तो एक चिप्स के डब्बे से बेहोश हो गया। छोड़ो, मैं अपनी ट्रीट खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट, मजा आ गया। अरे सच में चोट लगती है। हाँ जो भी हो, मुझे खाने दो, यह लाजवाब है। क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, यह चिप्स कमाल के हैं, मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। यह नामुमकिन हो गया है, यह बहुत ही अच्छे हैं। ध्यान से कैन फेंकना बंद करो। अरे मुझे भी एक हेलमेट चाहिए। हेलमेट नहीं, इस भूखड़ के चिप्स को यहाँ से हटाना होगा। वाह, यह तो बढ़िया किया, एकदम सही निशाना। यह क्या हुआ? मदद करो मेरी। उफ, ब्रोकली नहीं। ब्रोकली? पर मुझे एक बीज क्यों मिली है? स्वाद तो अच्छा नहीं है। अरे हाँ, इसे उगाना होगा, फिर मुझे इसे एक पौधा मिलेगा। बस करो, रुको, सारी मिट्टी हमारे ऊपर आ रही है। ओ माफ करना, हमारे मुंह में मिट्टी भर गई है। ओ शांत हो जाओ, मुझे बस अपने बीज को डालने के लिए जगह चाहिए थी। जब तक ये उगता है, तब तक तुम अपना ब्रोकली खाओ। लगता है मेरी बारी है।
पर दिक्कत यह है कि मुझे ब्रोकली से नफरत है। यह कितना खराब है, छी इसका स्वाद तो भयानक है। लग रहा है कि मैं किसी सड़े हुए चीज को खा रहा हूँ। मैंने पहले कभी इससे और बुरी चीज नहीं खाई है। मुझे जल्दी अपने मुंह का स्वाद ठीक करना होगा। ओ, यह मुझे दो। देखो यह बड़ा हो रहा है। तुम्हारी कोला ने मेरे पौधे की मदद की। अच्छा मदद हुई, तो अब उसका मजा लो। वो पौधा ब्रोकली है। क्या सच में? मैं इतनी मेहनत इसके लिए की? आशा है कि इसका स्वाद कम से कम अच्छा हो। नहीं, लगता है मैं दुनिया की सबसे खराब माली हूँ। यह ब्रोकली बहुत बुरा है, इसे खाना नामुमकिन है। तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी लग गई है। हंसना बंद करो जूलिया, अब सिर्फ तुम ही बची हो। मैं? पर यह कितना बड़ा है, मैं ये नहीं खा सकती। ओ हाँ, आइडिया। दोस्तों देखो उधर क्या उड़ रहा है। कहाँ? कितने भोले हैं। तुम लोग उधर कुछ ढूंढो और तब तक मैं इस गंदी चीज को फेंक देती हूँ। अच्छा, तो तुम हमें बेवकूफ बनाना चाह रही थी। वैसे मेरे पास भी यहाँ एक कटोरी है। कितना खराब स्वाद था, देखो मैंने सब खा लिया। बहुत बुरा था। ओ, इतना बुरा था कि तुमने सब फेंक दिया, पर अच्छा है कि मैं सब फिर ले आया। मुझे यह नहीं खाना था, लेकिन लगता है कि यह खाना ही होगा। स्कीटल्स, बहुत अच्छा, पर मुझे और चाहिए। हाँ हाँ, फिर जूलिया को सबसे कम मिला है। कम क्या, मुझे सिर्फ एक कैंडी मिला है। पर तुम ज्यादा ही जल्दी खुश हो गए। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है कि मैं इसे बड़ा कैसे बना सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस अपने फोन की जरूरत है। अब बस कैंडी को कैमरा के करीब लाना होगा। हाँ अच्छा है, अब यह बड़ा हो गया है और ज्यादा स्वादिष्ट भी जरूर होगा। हाँ यह लाजवाब है, इतना स्वादिष्ट, मुझे बहुत मजा आया। पीटर अब तुम्हारी बारी है। हाँ बिल्कुल, देखो अब मैं सारे कैंडी अपने मुंह में पकड़ लूंगा, देखना। ओह, मिस हो गया। तुम्हारे मुंह में तो एक भी नहीं गया होगा। ठीक है अब छोड़ो, मैं चलती हूँ। क्या मैं तुमसे एक कैंडी ले सकता हूँ, शायद पीला? बिल्कुल नहीं, यह मेरे है। अब मुश्किल काम बचा है, कौन सा रंग चुनूं, कौन सा कैंडी पहले खाऊं। मुझे लगता है मुझे लॉटरी निकालनी होगी। जो रंग मिलेगा वो वाली कैंडी मैं खाऊंगी। शुरू करती हूँ हरे के साथ, और वैसे ये मेरा फेवरेट रंग भी है। तो मैं भाग्यशाली हूँ, और अब सारे खा लेती हूँ। यह स्किटल्स कितने स्वादिष्ट है। तब चलो लॉटरी मैं निकालता हूँ। यह क्या है? वाह, इससे तो लाइट आ रही है। देखो कितना बड़ा कैंडी है, और यह कितना स्वादिष्ट है। वाह, इसके अंदर भी कैंडी भरी हुई है। मुझे भी चाहिए। अरे लॉटरी चली गई। अपना दो ना प्लीज। हाँ बिल्कुल मैं दूंगा, अपने हाथ आगे करो। मैं लालची नहीं हूँ, यहाँ सबके लिए काफी कैंडी है। धन्यवाद पीटर। तो पहले दौर में मुझे एक जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। आशा है कि आप मुझे खुश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेसर बॉब बचाव के लिए आए हैं। इतनी डिंग मत मारो प्रोफेसर, मैं कुक सामंथा बचाव के लिए आई हूँ। प्रोफेसर क्या आप मुझे शहद का एक जार दे सकते हैं? धन्यवाद। इसे सॉस पैन में डालना होगा, फिर थोड़ी चीनी डालें। मक्खन जाहिर है, इसकी भी उतनी ही जरूरत है, और अंडे को तो नहीं भूल सकते हैं, और थोड़ा आटा भी कोई बुरा नहीं होगा। देखिए कि अंडे को कैसे मिलाते हैं। चोट लग गई, लेकिन मैंने किया। मेरे जिंजर ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे बस सामंथा जैसा कर रही है वैसा दोहराना होगा। बहुत सारे आटे जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो तो पक्का है। इस मिश्रण को मिलाने का समय आ गया है। तो मेरा डो भविष्य के जिंजर ब्रेड के लिए तैयार है। अब इसे बेलने की जरूरत है। स्पेशल पेपर के माध्यम से ऐसा करना बेहतर होगा, ताकि आटा बेलन से चिपक न जाए। और अब हम भविष्य के जिंजर ब्रेड को आकार दे सकते हैं विशेष मोल्ड की मदद से। यह अच्छे से होगा। बढ़िया,
तैयार। अब केवल इन जिंजर ब्रेड कुकीज को बेक करना है। बहुत जल्द मेरी कुकीज तैयार हो जाएगी। अगर पास में कंपास की तरह अद्भुत उपकरण हो तो इन सांचों की जरूरत किसे होगी। ओह ओह, ये बहुत तेज है, लेकिन इसके साथ हम एक पूर्ण सर्कल काट सकते हैं। और शुक्र है कि इस स्केल का, कि इसकी मदद से हम सही रेक्टेंगल को माप सकते हैं। यही विज्ञान का मतलब है। खाना बनाते समय भी ये मदद करता है। अब समय आ गया है मेरे जिंजर ब्रेड को ओवन में डालने का। एमा, तुम क्या कर रही हो, बेचारा डो। हेया, इसे लो, यह तुम, यह लो, ब्रावो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे डो से छोटे बॉल्स बनाने की जरूरत है, ताकि फिर इनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंगों में रंगा जा सके। किसी कारण से केवल लाल डाई निकलना नहीं चाह रहा है। ओह, यह खून की तरह दिखता है। ओह, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सच में ऐसा दिखता है, लेकिन यह ठीक है। अपने चेहरे से पेंट को पोंछना आसान है। ओह, मुझे माफ करना, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अब मुझे अपनी रंगीन बॉल्स को रंगीन सॉसेज में बदलने की जरूरत है। मैं उन्हें एक बड़े सॉसेज में जोड़ दूंगी। उसके बाद मैं पूरी चीज को एक स्पाइरल में घुमाऊंगी। देखो कितना सुंदर है। वाह, क्या एक सुंदर जिंजर ब्रेड निकला। अब केवल इसमें मीठी बॉल्स को छिड़का जाना है। और अब मैं ओवन का उपयोग कर सकती हूँ। मेरी जिंजर ब्रेड कुकीज तैयार है। अब मैं अपनी योजना पर काम कर सकती हूँ। मैं जेन के लिए एक असली जिंजर ब्रेड हाउस बनाना चाहती हूँ। मैं गोंद के रूप में स्नो व्हाइट क्रीम का उपयोग करूंगी। देखो, हमारी आंखों के ठीक सामने घर बन रहा है। लेकिन ये इतना ही नहीं है, मैं इसे रंगीन कैंडल से सजाऊंगी। जरा इसे देखो। जाहिर है अब मेरी बारी है। मैं भी अपने कुछ जिंजर ब्रेड इकट्ठा करूंगा। थोड़ा शुगर ग्लू और मेरी कुकीज एक असली रॉकेट में बदल जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और स्वादिष्ट। अरे नहीं, उन्होंने मेरे लिए कोई कैंडी नहीं छोड़ी। उफ़, खैर, हमें सॉसेज को एक M&M से ही सजाना होगा। जेन, हम कर चुके हैं, यह विनर चुनने का समय है। यह मुश्किल काम है, सब बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके ये जिंजर ब्रेड हाउस। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन रॉकेट बस कुछ ऐसे ही है। प्रोफेसर उसे ओवर एक्सपोज कर दिया है। पता नहीं आयमा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है, यह अलग सा दिखता है। बुरा नहीं है, जिंजर ब्रेड मैन मुझे विनर चुनने में मदद करेगा। और बेशक यह सैमंथा है, उसने अपना बेस्ट दिया, मुबारक हो। धन्यवाद जेन। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स पकाएं। यह एकदम आसान है, मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर सकती हूँ। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मुझे अभी पता चला कि इसे कैसे पकाना है। सभी विज्ञानों की माँ रसायन विज्ञान इसमें मेरी मदद करेगी। मैं खुद एक असली गमी बनाऊंगा। मैं एक सिरिंज में लिक्विड गमी भर देता हूँ, फिर इस मिश्रण को बर्फ में डुबोने के लिए एक लंबी रबर ट्यूब का उपयोग करता हूँ। मुझे एक लंबा गमी नूडल मिला। लेकिन आप इस सामान को नहीं खा सकते हैं, यह हानिकारक और बेस्वाद है। मैं उबलती गोभी के साथ खाना बनाना शुरू करूंगी। जरूरी बात इसे अच्छी तरह से काटना है। और मेरा आइडिया काम कर गया है, उम्मीद है कि इसे वास्तव में खाना संभव हो। और मैं इन सब झमेले में नहीं पड़ूंगी। मैं बस सामान्य पास्ता को पानी से भर दूंगी और इसे माइक्रोवेव में रख दूंगी और वो वहाँ तैयार हो जाएगा। मैं राइस नूडल्स बनाऊंगी और इस गोभी की वजह से ये एक सुंदर बैंगनी रंग का बन जाएगा। स्वाद के लिए उस पर नींबू का रस डालना जरूरी है। और इस यमी को इतने प्यारे घोड़े से सजा सकते हैं। देखो कितना अच्छा है। देखो मुझे कितने रंगीन नूडल्स मिले हैं। ये बहुत मजेदार और कूल है। मेरा भविष्य का पास्ता भी लगभग तैयार है। अब केवल इस पास्ता पर चीज पाउडर डालना ही बचा है। चीज पाउडर एकदम बेकार और हानिकारक है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है।
और वैसे भी यह केवल इतना ही नहीं है, मुझे गुलाबी मैकरोनी भी चाहिए। अच्छी, मैं इसे गुलाबी पाउडर के साथ करूंगी। एमा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ फिर से? यह मेरे खाना पकाने का नतीजा है। देखो अब मैं साफ सुथरा हूँ, और देखो मेरा पास्ता कितना रंगीन है और बहुत अच्छा। और मेरा गमी नूडल्स एक एक्सपेरिमेंटल रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया है। जेन, इन सभी नूडल्स को चखने का समय है। दिलचस्प, मुझे गमी बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट, लाजवाब, बहुत ही अलग सा गमी नूडल्स। चलो देखें कि सामंथा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। बुरा नहीं है, मुझे राइस नूडल्स भी बहुत पसंद है। पता नहीं एमा ने मेरे लिए किस तरह का रंगीन पास्ता तैयार किया है। स्वादिष्ट, मैं तो समझ नहीं पा रही कि किसका बेस्ट है। शायद प्रोफेसर बॉम ने सबसे अलग नूडल्स बनाया है और सबसे स्वादिष्ट भी, और वो विजेता है। तीसरे दौर में मैं सभी स्वादिष्ट चीजों के बाद कुछ पीना चाहती हूँ। मेरे लिए कॉकटेल तैयार करो। यह किया जाएगा, मैं जेन के लिए एक असली सोडा बनाऊंगा। ध्यान रखना है कि सोडा के साथ इसे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि तब मेरे लेमोनेड को पीना असंभव होगा। चलो सोडा के ऊपर ऑलिव ऑयल डालने की कोशिश करें, कोई ऐसा क्यों नहीं करता। और आखिरी में हम पूरे मिश्रण को एक सीक्रेट सामग्री के साथ मिलाएंगे। तड़ाम, पहला कॉकटेल तैयार है। एमा, तुम उसे छूने की हिम्मत मत करो, मैंने इसे जेन के लिए बनाया है। शायद मैं उस तरह की सामग्री के साथ कोई प्रयोग नहीं करूंगी। मैं एक क्लासिक कॉकटेल बनाऊंगी जिसके लिए मुख्य सामग्री स्प्राइट होगा। अब केवल इसे खोलना ही बचा है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एमा फिजिक्स के नियमों को नहीं जानती है। मुझे फिजिक्स के नियमों की जरूरत क्यों है, मेरा कॉकटेल उनके बिना स्वादिष्ट होगा। हालांकि बहुत कम स्प्राइट बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं स्प्राइट को कैंडिड से भर दूंगी और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम से पूरी चीज को सजाऊंगी। मुझे ये पसंद है। वाव, कूल। मुझे गमी दो, मुझे अपने कॉकटेल को सजाने के लिए उनकी जरूरत होगी। जरा देखो मैंने क्या किया है। क्या तुमने कभी इससे बड़ा कॉकटेल देखा है? वाव एमा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं सबसे ओरिजिनल कॉकटेल बनाने जा रही हूँ जिसे जेन ने शायद ही कभी चखा हो। वह एक बर्फ की बॉल में होगा। मैंने इसे पहले से तैयार करके रखा है। मैं एक सिरिंज की सहायता से इसमें कोक डालूंगी, फिर मैं आइस बॉल्स को एक ग्लास में डाल दूंगी और अधिक कोला डालूंगी। यह जरूर बहुत अच्छा निकलेगा। और थोड़ा धुंध क्यों नहीं जोड़े? हाँ, इस तरह से। इस तरह के कॉकटेल दुनिया के सबसे अच्छे रेस्तरां में परोसे जाते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा कॉकटेल कहीं और नहीं मिलेगा। देखो ये कितना कूल है। एमा, मुबारक हो, तुम बहुत अच्छा। अरे नहीं, मुझे इस तरह की प्लॉट ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। ओह, मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया था। कोई बात नहीं, मैं दूसरे कॉकटेल को ट्राई करूंगी। आओ देखें कि प्रोफेसर बॉब ने क्या किया है। क्या इसमें तेल है? घिनौना, हम इसे नहीं पी सकते। क्या बेवकूफी भरा मजाक है, मुझे सामंथा से कुछ अलग की उम्मीद है। चलो चेक कर देखें कि उसने मेरे लिए क्या किया है। साधारण कोला की तरह लगता है, लेकिन यह अद्भुत रूप से स्वादिष्ट है। विजेता स्पष्ट है। सामंथा, तुम्हारी जीत पर बधाई।